ओम साई राम। शिरडी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में साईं भक्त आते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी का सामान चोरी हो जाए। हालांकि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उद्घोषणा करते रहते हैं कि भक्तजन अपने पर्स, मोबाइल, गहने, कीमती सामान का ध्यान रखें। हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व चोरी की घटना को अंजाम देते हों और कुछ साईं भक्त अपनी लापरवाही से भी सामान खो देते हैं। मगर पिछले कुछ दिनों में श्री साईं बाबा संस्थान के कर्मियों और शिरडी ग्राम वासियों की ईमानदारी और तत्परता से साईं भक्तों का हजारों रुपए का खोया सामान और पर्स उन्हें वापस मिल गया। कल साईं आश्रम क्रमांक 1 के काउंटर के पास साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के सफाई कर्मी श्री संदीप गायकवाड़ को एप्पल का एक आईफोन मिला। उन्होंने इसकी जानकारी सुरक्षा सुपरवाइजर को दी। बाद में पता चला कि वह मोबाइल एन नवीन कुमार नामक एक साईं भक्त का है। उनसे संपर्क करने पर उन्हें मोबाइल वापस दिया गया। तब उन्होंने बताया कि इस फोन की कीमत 86,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि इतना महंगा फोन खोने से उन्हें बहुत दुख हुआ था, लेकिन साईं बाबा की कृपा से उन्हें यह वापस मिल गया। उन्होंने ट्रस्ट के सफाई कर्मी श्री गायकवाड़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उनकी ईमानदारी की तारीफ भी की। श्री गायकवाड़ को संरक्षण अधिकारी श्री रोहिदास माली ने सम्मानित किया। अभी हाल ही में 2 सितंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर के गेट नंबर 1 के पास पर रखी बेंच पर माननीय नगर पार्षद श्री सुरेश कालू आर्ने जी को एक महिला पर्स मिला। पर्स के पास कोई नहीं था। श्रद्धालुओं और आसपास की चप्पल स्टैंड पर पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि यह पर्स मेरा है। पर्स में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कार्ड और 5,446 रुपए नगद थे। श्री आर्ने ने तुरंत और ईमानदारी से पर्स को सुरक्षा कार्यालय में जमा करा दिया। जांच करने पर पता चला कि यह पर्स हैदराबाद निवासी साईं भक्त श्रीमती लता गौड़ का है। उनसे संपर्क करने पर और उनकी पहचान का सत्यापित करने के बाद पैसे और पर्स उन्हें वापस कर दिए। इस अवसर पर उन्होंने श्री सुरेश आर्ने और शिरडी के निवासियों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा साईं भक्तों के लिए दिखाए गए देखभाल की भी सराहना की। उन्होंने ईमानदारी के लिए श्री साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडिलकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री तुकाराम कुलवले ने श्री आर्ने को बधाई दी और उनका सम्मान भी किया। संरक्षण अधिकारी श्री रोहिदास माली ने भी अभिनंदन और सत्कार किया। अभी कुछ दिनों पूर्व संस्थान की महिला सुरक्षा कर्मी श्रीमती बेबी ताई नागरे जी को भी एक पर्स मिला, जो कि मुंबई की एक साईं भक्त का था। उसमें भी जरूरी कागजात और रुपए पैसे थे। पर्स वापस मिलने पर महिला ने बाबा और श्रीमती नागरे का धन्यवाद किया व इनाम स्वरूप 5,000 रुपए दिए। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के संरक्षण अधिकारी श्री रोहिदास माली ने श्रीमती नागरे को सम्मानित किया। अयूब पठान, साईं लीला टाइम्स, शिरडी। कृपया साईं लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साईं राम।